नमस्कार, आदाब, मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज की खास खबर। दोस्तों, इस समय हम खड़े हैं नाला सुपारा के तुलिन पुलिस स्टेशन के सामने। यहां आप देख सकते हैं हमारे पीछे शिवसेना उत्तर भारतीय मोर्चा के पदाधिकारी है, जिनमें से एक व्यक्ति के सर पे गैस का सिलेंडर है और ये कहीं ना कहीं गैस की जो लगातार कीमतें बढ़ती जा रही है उसको लेकर आक्रोश प्रदर्शन है। केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, इस समय जनता कितनी परेशान है ये उनको देखने की जरूरत है। और केंद्र सरकार की नीतियां जो है ये कतई ही जनता के भले के लिए है ही नहीं। ये हमारा नहीं कहना है, ये इन लोगों का ये बात कहना है। और वाकई में ऐसा लगता भी है, जिस तरह से दिन प्रतिदिन गैस के दाम बढ़ रहे हैं, डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, ताही ताही देश में मची हुई है। देखिए ये मोर्चे में लोग जो इनके पदाधिकारी उनका क्या कुछ कहना है, आप सुनिए आगे। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। हम लोग का यही विषय है कि जो महंगाई वाड़ हो रही है, हमेशा 50 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपया आम गैस पे जो हो रहा है, इसके वजह से आम पब्लिक पे बोझ गिर रहा है। आज ऐसे कितने लोग हैं तो जो अपने घर पे चूल्हा जलाना बंद कर दिए हैं गैस का, और लकड़ी से खाना बना रहे। गांव खेड़े में कोई 1000 रुपये का सिलेंडर ले सकता है, सब्सिडी दे रहे हैं, लेकिन सिर्फ एक जुमलेबाजी है। हर दिन पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं, डीजल के दाम बढ़ते हैं, जिससे आम पब्लिक पे फिर गिरता है। और हम यही चाहते हैं कि जो जुमलेबाजी कर रहे हैं वो बंद करें और आम पब्लिक का ख्याल रखें और पेट्रोल और इसके गैस के दाम कम करें। आपके जो सहयोगी है उन्होंने गैस सिलेंडर सर पे अपने धरा हुआ है, वो क्या संदेश देना चाहते हैं? नहीं, वो संदेश देना चाहते हैं कि आने वाले तारीख में गैस नहीं रहेगा, सिर्फ सर पे लेके घूमना पड़ेगा। एक दिखावटी है, एक दिखावटी के हिसाब से लिया है इन्होंने। सॉरी, अब यही रास्ता रह गया है उसको, गैस सिलेंडर हम लोग पूजा कर सकते हैं, यूज नहीं कर सकते हैं। 1000 रुपये दे के कौन यूज करेगा इसके अंदर? एक सवाल है कि आप उत्तर भारतीय मोर्चा से हैं जी, आपकी बहन थोड़ी इसमें शामिल है कि नहीं? हमारे सभी लोग हैं, सभी शामिल हैं, लेकिन हम लोग उत्तर भारतीय मोर्चा की तरफ से प्रोग्राम रखा गया है, इस वजह से सभी लोग अपने 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 हिसाब से सब काम करेंगे। केंद्र को छोड़ दिया जाए तो डीजल और पेट्रोल में राज्य सरकार भी अपनी तरफ से रेट कम करके लोगों का भार कम कर सकती है, इसके बारे में आप क्या कहना? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, राज्य सरकार करना है, पहले सेंटर तो कम करे। जब केंद्र सरकार कम नहीं कर रही, राज्य सरकार कहाँ से करेगी? और आए दिन जो गैस के दाम है वो राज्य सरकार के अंडर में कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में? केंद्र सरकार भी एक बार रेट कम किया था, तभी सभी राज्यों को प्रधानमंत्री आने के लिए आह्वान किया था कि आप भी कम कीजिए, कुछ राज्यों ने किया लेकिन महाराष्ट्र ने नहीं किया था। आज महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा डीजल और पेट्रोल का दाम है, उसमें अगर महाराष्ट्र सरकार भी चाहे तो आपको कुछ राहत दे सकते? महाराष्ट्र सरकार इसके बारे में पहल करेगी, लाखों करोड़ रुपया इसका अपना जीएसटी का बैलेंस है, सेंट्रल गवर्नमेंट दे ही नहीं रही है, तो राज्य सरकार के ऊपर ऐसी बार है इसके अंदर, अगर वो भी अगर पेमेंट देंगे तो भी कम हो जाएगा। बात कम करने के लिए क्या गवर्नमेंट जो है स्टेट गवर्नमेंट गैस का और पेट्रोल का दाम कम नहीं करी होगा? नहीं, इस बारे में भी हमारे जो वरिष्ठ हैं, सीनियर हैं, वो बात कर सकते हैं, उस बारे में हम लोग कार्यकर्ता लोग कैसे बोल सकते हैं। सिर्फ हम ये चाहते हैं कि आम पब्लिक पे जो इफेक्ट गिर रहा है बाहर महंगाई का बाढ़, ये कम हो, और इसके लिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।